गया, फिर वहां चलो तुम हो तुम्हारी बेटी, मैंने तुम बच्चों को तुम्हारी बेटी करके बनाया है, मैं फिर भी बन जाता हूँ सबके सब उसकी बस तुम सबके वार खुले थे उसका एड्रेस हमारी खराब पहले मत तो जैसे सीधी बैठी वैसे उसकी बस सीधी से लेटी उतर उतर के प्लेटफॉर्म पर आ गए तो लोगों ने देखा यूनियन में अरे ये तो बड़ा भारी लश्कर है ये तो सारा सामान उठा ले जाएंगे तो बस मिचड़ी होते हैं एक एक पेटी के पीछे कुंडे होते हैं दो दो बहनों ने कुंडे से पकड़ लिया सामान उठाना शुरू कर दिया तो उनको शर्म आ गई अरे ये क्या यहाँ तो लश्कर बहुत बड़ा है ये तो एकदम से सारा सामान उठा के ले जाएंगे फिर उन्होंने आपस में मिल करके कहा चल कैप्टन था उसे बाबा ने बाबा हमारे साथ लाइन में खड़े थे अरे जैसे खुदा के बंदे हमारे मुंह को छोड़ के जा रहे तो उस टाइम हमारा गीत बज रहा था न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत से दिल सुने तो गीत ऐसा बज रहा था मुसलमानों को वो नहीं होना वो नहीं होना पर चल पड़े हम फिर तो किनारा कर रहे थे स्टीमर को स्टीमर किनारा करते करते चल फंसी ऐसी ऐसी हमारी परीक्षा है फिर हम लोग आए अब पहाड़ पर तो पहाड़ पर आते ही हमारी परीक्षा तो वहां भी हुई परीक्षा तो बाबा कहते हैं बहुत प्रकार की होती है लेकिन बैठ जाना पड़ेगा बैठ जाओ तो एक बार मेरे बाबा को बाबा मैं सेवा कर जाऊंगी बाबू ने कभी तू जाएगी मैं जरूर जाऊंगी तो बाबा ने मेरे को लेके स्कूलों में बड़े बड़े कॉलेजों में तो एक बार मुझे याद है कि बहुत कम थोड़ी मैंने सेवा कर ली ज्यादा नहीं कर अच्छा फिर मैंने शुरू किया मुख भी खुल गया और ड्रेस हमारी बदल गई पहले वोट तो सारी की ड्रेस हो गई फिर धीरे धीरे हम अपने ऊपर दिल्ली हुई दिल्ली से मीरठ टू मीरठ से हापुर हापुर से सिकंदराबाद हर शहर के अंदर जब मैं 8 साल के बाद बाबा के पास जाती थी बाबा वर्तन थी बच्ची तुमको अब दूसरे शहर में जाना अब दूसरे शहर में जाना तो आप फिर जाती थी दिल्ली से पहले हापुर आए हापुर से मीरठ आए मीरठ से सिकंदराबाद आए ऐसे हर साल हमारे शहर फिर मैं चली जाती थी पीछे हमारी बहन और बैठ जाती थी आगे चलते चलते फिर अमृतसर तक पहुंच गए और उसके बाद हम इलाहाबाद कई साल रहे इंदौर जबलपुर कई शहरों में हम चक्कर लगाते लगाते अब लास्ट में आकर के करनाल जो बाबा अगत हुआ है मनोहर दादी इधर आ गए तो मनोहर दादी की जगह पर हम करनाल में 6 साल से अभी बाहर रह रहे बाकी हमारी परीक्षाएं बहुत आई है परीक्षा में रोना करो तो बहुत मिस्टेक है एक बार पुलिस में पहुंची तो थाने मेरे को मारने वाला था उसने कहा बाबूजी ब्रह्मा को मेरे बोलते बिल्कुल गलत तो हमारी दो अपोजिशन पार्टी बन गई एक तरफ हमारे भाई बैठ गए रात को बांध बज के डिबेट करते करते कहते आप अपने शब्द वापस करो आप ये बात क्यों बोली हमारे राम को खंडन क्यों किया तो उस टाइम हापुर में बड़ा भाई हंगामा हुआ था और मैं सेंटर पर घर में बैठी थी रात को भाई 12 बजे कह बहन जी वो मारता नहीं थानेदार हमको कहते आप अपने शब्द वापस करो नहीं तो तुम्हारा पास बहुत हंगामा हो जाएगा हमने कहा हम नहीं ये बात मानेंगे क्योंकि शब्द पर हम खड़े हैं हम शब्द पर कभी नहीं बात को मान नहीं सकते तो सब पर हुआ ये तो उसी टाइम हमारे भाई आए तो छुप जान मजा था मैंने भाई को कहा मेरे को ऐसा संकल्प आता है कि बिरला प्रभु कोई बड़े बड़े लोग अच्छे थे धर्म या उनके पास जा तो सुबह को 4-5 बजे सवेरे सवेरे अमृत वेले बड़े बड़े कलेक्टर था क्या था किसी के उन्होंने कहा अरे भाई ये आए समय तो हमेशा हंगामा करते रहते इनकी बात बस हो आप अपने सत्य पर खड़े हो हम आपके साथ जब हम बैठे थे तो हमने पूरी भारत की मैं महाशा करूंगी जो सत्यता है वो पूरी पता है पुलिस ने देखा गलत बात तो बोलती नहीं यार ऐसे हमारी पागल है ऐसे हंगामा करके बैठे है फिर मतलब धीरे धीरे हंगामा खत्म तो क्यों हम पर सत्य पड़े क्यों आए हम मान जाते हैं वापस शब्द ले लेते तो सारे सेंटर आए समझ हंगामा करेंगे उसमें बहुत थोड़े से इंटरेस्ट थे तो हमने कहा हापुर का तो हंगामा दूसरा हंगामा हो जाएगा तो इसी कारण फिर हम तो वैसे भी हम सत्य बात को तो छोड़ते नहीं है क्या कितना को कह दे तो उस पर पके रहे तो बात हमारी फिर भी उसे दूसरी पुलिस को माननी पड़ी थानेदार मानने वाला नहीं था छोड़ दिया उसको इलाहाबाद में बच्चों का क्लास हम कराते थे तो एक माता थी पति से एंट्री थी तो उसने कहा बच्चा जो है ना हमने भेजा था इनको पास इन्होंने कहा छिपा दिया हमने कहा खाने के लिए दूंगा के पास है ना बच्चों को कहा रखे थे उस माता अब फिर वो आए हमारे पास हंगामा करे हम 3 दिन के लिए अगर आप हमको बच्चा नहीं देंगे तो आपको हम मारेंगे लोहे की ले आएंगे ले भी आए थे सच में
तो मैं अगले दफे बैठ गई और फिर सभी बैठ गए। मैंने कहा कि आप जाएंगे जाते भगवान से पूछ किया हो तो बच्चा कहाँ। मैंने कहा मेरे को भगवान ने कहा तुम्हारे सब बच्चों के पास बच्चा है, ऐसे ही मैंने कह दिया। तो मैंने कहा तुम्हारे सब पास बच्चे है और हम अपने इसको तुम्हारे घर में बेच दिए। तो जिन्होंने छिपाया था वो भी बैठे रहते सफा में, वो डर गए लेकिन पुलिस वाले हमारे घर में छापा मारेगा तो पकड़े जाएंगे जेल में। मैं जिसने छिपाया गया वो भी उठ गया। फिर धीरे धीरे एक दिन के बाद योग लगा देते ऐसे मौके जब विघ्न पड़ता था ना बाबा मदद करेगा क्यों इतना दस्त होगा विघ्न पड़ रहा है। पर दो दिन के बाद वो आया उसका पिता भी कहते बहन जी बच्चा मिल गया है। पर बच्चा कहाँ था कहते रिक्शा रहती ना तो अपने किसी सनवार छिपा दिया और उसे भेज दिया। ऐसी ऐसी कहानियां हमारे साथ बहुत भी थे पर हम सब पर खड़े रहते थे। हम इस बात को भी डरते थे हमको मारेंगे क्या होगा ये हमारे मन में कभी संकल्प नहीं आता था। हम कहते बाबा की स्थापना है चलते चलो बाबा ने तो बता दिया ना हम होगा बिल्कुल सर्व आत्मा बात का संदेश देना तो हमें आदेश मिला हुआ है शिव बाबा का। तो हर एक आत्मा की ज्योति जगाओ, हर एक जो सोए पड़े है अज्ञान अंधकार में उनको जगाने के लिए उनको एक ही संदेश दो कि भगवान आया है भारत में और भारत में आकर अपने स्थापना का कार्य कर रहा है तो विश्व का पिता लेकिन विश्व की आत्मा को जगाने आया है लेकिन विशेष भारत देश में जन्म लिया है। वो हम बच्चों को ऐसा आदेश दे रहा है ऐसा सब आत्मा को हमारे तरफ से संदेश दो। तब जागने का टाइम है समय बहुत कम है विनाश सामने खड़ा है पहले युग जा रहा है सत्य की दुनिया आ रही है। ऐसी सत्य की दुनिया में चलने के लिए राज्यों की शिक्षा को धारण करो सच्चा योगी होली भी योगी जीवन ओम ब्रह्मा बाबा तेरा तत्वज्ञान ब्रह्मा बाबा तेरा तत्वज्ञान फरिश्ता रूप जो तुमने साकार में मिलने की एक तमन्ना थी साकार में मिलने की एक तमन्ना थी आज साकार रूप तेरा आया आज साकार रूप तेरा परिष्ठा रूप जो तुमने पाया ब्रह्मा बाबा तेरा बनेंगे तेरे जैसा बाबा हम भी बनेंगे रोशन करेंगे ना तेरा ऐसा रोशन करेंगे ना तेरा ऐसा किया तुमने शिव का जैसा ब्रह्मा बाबा तेरा तपरंग आया सृष्टि का रचयिता तुम्हें ही कहते सृष्टि का रचयिता तुम्हें ही कहते भाग्य तो भाया परेशान जो तुमने आ
कन्याओं का ट्रस्ट ना बनता तो आज हम सब शिव के महावाक्य सुनने की हकदार ना बनते। उस समय ब्रह्मा बाबा के सामने कोई उदाहरण नहीं था, लेकिन वो सारे विश्व के उदाहरण मूर्त बन गए, आधार मूर्त बन गए, उदार मूर्त बन गए। पूरा विरोध था, हिम्मत रखी। आज हमारे साथ लाखों व्यक्ति मददगार हैं, फिर भी हम विश्व परिवर्तन का ठेका नहीं उठा पाते, इतनी जिम्मेवारी से कार्य नहीं कर पाते। लेकिन ब्रह्मा बाबा की वो तपस्या आज पूरे विश्व में रंग ला दिया, शिव पिता को प्रत्यक्ष कर दिया। तो आज के इस स्मृति दिवस पर हमें जो भीषण प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए, नाम रोशन करेंगे ब्रह्मा बाबा का।